विश्व की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब लगातार सक्रियता से कार्य कर रहा है। हर वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति परंपरा अनुसार की जाती है। इस वर्ष भी 2024-25 के लिए सुमन पांडे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त की गई, जिसका शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग शहर के एक निजी होटल में किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था अंतरराष्ट्रीय लायंस क्लब लगातार सक्रियता से कार्य कर रहा है। विश्व भर में सेवा परमो धर्म का भाव लिए अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब देश भर में लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि मिशन हैप्पीनेस की भावना लिए वर्ष भर के लिए सेवा कार्यों को अंजाम देने पदाधिकारी भी यहां पर लगातार नियुक्त किए जाते रहे हैं। इस वर्ष लायंस इंटरनेशनल संस्था ने इस परंपरा को भी आत्मसात करते हुए सुमन पांडे को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है। अध्यक्ष पद हेतु सुमन पांडे के चयन के बाद शपथ ग्रहण समारोह भव्यता से दुर्ग के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात यहां पर नवनियुक्त अध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। बता दें, शपथ अधिकारी के रूप में प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RMJF लाइन विजय अग्रवाल कोरबा से शामिल हुए। साथ ही शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक सत्यरंजन भट्टाचार्य शामिल रहे। इसके साथ ही क्लब के चेयरपर्सन सदस्यता विस्तार एवं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में चेयरपर्सन मॉरल एजुकेशन MJF लाइन डॉक्टर रौनक जमाल भी विशेष रूप से यहां पर शामिल रहे। बता दें, शामिल अतिथि गणों ने वर्ष 2023-24 में क्लब के उन सदस्यों को और पदाधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने वर्ष भर बेहतर प्रदर्शन कर सेवा भाव से कार्य किए। सुमन पांडे जी जरूर अगले सत्र में बहुत उम्दा काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सहयोग आपकी तरफ और एक जोरदार इनके लिए तालियां एक बार। ठीक है, ठीक। लायन संजय, ओर से सदस्यों की ओर से एवं मेरी ओर से, मैं आज की बैठक में आपकी उपस्थिति पर हार्दिक प्रसन्नता और गौरव। लायंस क्लब की सदस्यता एक विशेषता है। आप विश्व के सबसे विशाल और सक्रिय संस्था के स्वीकार करता हूँ। अपना नाम बोलिए। मैं लायंस क्लब की सदस्यता स्वीकार करता हूँ। मैं क्लब के सभी समारोह में भाग लूंगा। मैं अपनी योग्यता अनुसार लायंस आचार संहिता का पालन करूंगा। सभी बैठकों में बराबर भाग लूंगा। जो कार्य मुझे सौंपा जाएगा उसे साथ स्वीकार करूंगा तथा क्लब एवं लायंस इंटरनेशनल के कार्यक्रमों में अपना योगदान देता रहूंगा। अब लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी के सदस्य बन गए हैं। अपना एक और संगी औरत भी। शपथ ग्रहण के दौरान कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा ने भी लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की और आगे बढ़ चढ़कर सेवा करने का संकल्प भी उन्होंने यहां पर लिया। अवसर था लायंस क्लब की नई सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह का। इस दौरान आदि शक्ति हिंदू युवा मंच की जिला संयोजिका डॉक्टर भावना दिवाकर विशेष रूप से शामिल रही। यहां उन्होंने आगामी 30 जून को 2 लाख पौधे रोपने व उनके संरक्षण के विषय में शामिल लोगों को बताया और साथ ही सभी से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। बहुत ही अच्छा मिशन शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस बार हमने बहुत गर्मी का अनुभव किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में टेम्परेचर 50 से भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि इस समय इतनी सारी बीमारियां आ गई जिनके खुद हमें नाम नहीं मालूम होते और आधे से ज़्यादा हमारी इनकम बीमारियों में ही जा रही है। तो क्यों ना हम अपने शहर को और अपने देश को और अपने राज्य को सुंदर बनाएं और इस प्रकृति को सुंदर बनाने में मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ। इसलिए आज आपके कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करने आई हूँ कि 30 जून दिन रविवार को हम 2 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हमारा अभी एक छोटा सा ही मिशन हम बोल सकते हैं।
हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम 5 लाख पौधे लगा पाए, लेकिन शुरुआत हम 2 लाख पौधे से कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदू यौवंश का है, पौधे तो सभी के हैं, सभी को उसका यूज होना है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ, और अगर आप हमारे इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो इस पौधे को लगाने में हमारा सहयोग करें। तो आप सभी जरूर आइएगा, और अगर आपको पौधों की जरूरत है तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा, उन पौधों की देखभाल भी हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं है, बल्कि उनको संरक्षित भी करना है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 2 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं तो उन 2 लाख पौधों को सुरक्षित करने का भी हमने ठाना हुआ है। तो आप सब हमारे इस अभियान में सहयोग करें, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय संस्था लायंस क्लब के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की गई। अतिथि गणों का जहां पर सम्मान किया गया, वहीं मीडिया जगत के बंधुओं को भी यहां पर सम्मानित किया गया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।